हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो आधारित है डेटा इंटरप्रिटेशन पर। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ नए टाइप के सवाल देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में एक टेबल डीआई देखा था, एक हमने कैसलेट देखा था, एक हमने बार ग्राफ देखा था, आज के सेशन में हम जो देखने वाले हैं उसमें हम तीन डीआई देखेंगे। एक डीआई होगा टेबल डीआई, एक डीआई होगा आपका पाई चार्ट पर आधारित, और एक होगा डबल पाई चार्ट पर आधारित। ठीक है, तो आज भी बहुत मज़ा आने वाला है, आज भी आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि क्या क्या सवाल आज के सेशन में हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो सवाल में लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इन टेबल इट इज गिवन हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल है उसमें आपके इस तरफ कंपनीज का नाम लिखा हुआ है। कंपनी का नाम है TCS, Infosys, Mahindra, Myntra और Amazon। यहाँ पर आपको दिया गया है रेशियो किस चीज़ का, मेल और फीमेल का, पुरुष और महिलाओं का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। और उधर दिया गया है टोटल एम्प्लॉई इन थाउजेंड्स। टोटल एम्प्लॉई इन थाउजेंड का मतलब ये है कि यहाँ पर 75,000 लोग हैं, यहाँ पर 91,000 लोग हैं, यहाँ पर 17,000, 55,000 और 90,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब ये जो 75,000 है उसमें जो मेल और फीमेल है उनका रेशियो 2:3 है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 75,000। तो 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, अगर 1 की वैल्यू पता चल गई तो 2 और 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप पता लगा सकते हो कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। इस तरह से हमें सारा टेबल निकालना पड़ेगा। अब हमें यहां पर पूछा जाएगा सवाल, तो एक बार सवालों को सरसरी नजर से देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल इसमें बन सकते हैं। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन Myntra एंड Amazon। ठीक है सर, तो Myntra में और Amazon में जितने भी मेल एम्प्लॉई उनका एवरेज बताना है, बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है सेकंड में, यहाँ पर पूछ रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन दिल्ली 50% ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन TCS आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग आर एबसेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कमिंग टू ऑफिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो 50% एम्प्लॉई हैं, है ना, किस कंपनी की बात हो रही है, TCS कंपनी की, 50% एम्प्लॉई जो हैं वो घर से काम कर रहे हैं। इसके बाद जो बचे हुए हैं उनका 20% जो हैं वो एबसेंट हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब जो बच गए हैं वो ऑफिस आ रहे होंगे, वो कितने हैं, उनकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है सेकंड सवाल में। थर्ड सवाल में आपसे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। थर्ड में बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन Mahindra टू दी मेल वर्किंग इन Infosys। तो Mahindra में कितनी महिलाएं और Infosys में कितने पुरुष काम करते हैं, उनका रेशियो आपको बताना है। ठीक है, बता देंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन Amazon रिस्पेक्टिवली इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन फीमेल वर्किंग इन TCS। तो यहां पर आपको बोल रहा है कि भैया Amazon में जितनी फीमेल काम करती हैं वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा हैं उन महिलाओं से जो TCS में काम करती हैं। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहां पर कि इसमें आखिरी सवाल क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि इफ 20%, 30%, 40% ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन TCS, Infosys एंड Amazon गेट प्रमोशन, देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दोज आर प्रमोटेड। तो यानी कि तीन कंपनीज हैं TCS, Infosys और Amazon। TCS में 20% लोगों को प्रमोशन मिला है, Infosys में 30% और Amazon में 40%। तो आपको ये बताना है कि ये जो टोटल लोग हैं जिनको प्रमोशन मिला है उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये 5 सवाल हमें करने हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मेल और फीमेल पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल देंगे, कितने मेल और कितने फीमेल है हर एक कंपनी में। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर यहाँ पर 2 और 3 कितना होता है, सर 5 होता है। 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, सर 5 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको 75। यानी एक यूनिट कितना हो गया, एक यूनिट हो गया आपका 15। एक यूनिट अगर 15 हो गया तो 15 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 30, और 15 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 45। तो ये 30,000 और 45,000 मेल और फीमेल हो गए, पहला वाला मेल, दूसरा वाला फीमेल। ठीक है ना, मेल और फीमेल। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बात करते हैं 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 की जो वैल्यू है वो 91 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 7 × 9 = 63 हो जाएगा, और 7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो ये मेल और फीमेल हो गए 63,000, 28,000। ठीक है सर, 11 और 6 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 की वैल्यू 17 ही है, इसका मतलब 11 की वैल्यू 11 होगी, 6 की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पर 11,000 और 6,000 मेल और फीमेल हो गए। 6 और 5 11 हो गया,
11 की वैल्यू कितनी है सर? 55 है, यानी 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 6 जा 30 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, यानी कि 30,000 मेल है, 25,000 फीमेल है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई, 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 45 हो गई, तो 45 यानी कि ये कितने हो गए सर? 45,000 मेल और फीमेल हो गए। तो ये आपके पास में डेटा आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? अब आपको मालूम है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं किस किस कंपनीज में, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखो, पहले TCS है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है, मिंत्रा है और अमेजन है, ठीक है, इस ऑर्डर में है। अब अपन सवाल को देखते हैं, पहला सवाल क्या बोलता है आपसे, पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है भैया, पहला सवाल आपसे बोल रहा है, यहाँ पर अपन लिख लें, TCS था पहले, पहले कौन सी कंपनी थी भैया? TCS, ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी थी अपने पास? इन्फोसिस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्फोसिस, फिर कौन सी थी? महिंद्रा, ठीक है, और फिर कौन सी थी? मिंत्रा और अमेजन, ठीक है ना, मिंत्रा और अमेजन, तो यहाँ पर लिख लिया मिंत्रा और अमेजन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में इसको लिख लिया, ठीक है ना। चलिए अब ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या क्या बोला गया देखो। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉई वर्किंग इन मिंत्रा एंड अमेजन, है ना, तो मिंत्रा और अमेजन पे जाना है, ठीक है सर, क्या देखना है सर? मेल को देखना है ना, बुरा वक्त चल रहा है तो मेल को भी देखेंगे अपन। तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो कौन है सर? मेल, और ये क्या है सर? फीमेल है। तो कहाँ कहाँ जाना है सर? मिंत्रा और अमेजन, तो मिंत्रा और अमेजन लास्ट के दो हैं, तो 45 और 30 कितना हो जाएगा सर? 30 और ये 45 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 75 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कितना? 37.5। अब 37.5 क्या? 1000, 37.5 1000, यानी कि 37 और 500, ये आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, आपसे पूछा गया था कि मिंत्रा और अमेजन में काम करने वाले औसत पुरुषों की संख्या क्या है, औसत पुरुषों की संख्या क्या है, तो हमने बोला भैया कि मिंत्रा और इन्फोसिस, मिंत्रा और अमेजन में 30,000 और 45,000 पुरुष काम कर रहे हैं, उनका टोटल करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो मिंत्रा और अमेजन में है ना, मैंने इन्फोसिस बोला के बीच में कुछ है ना, मिंत्रा और अमेजन में आपको कितने मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका एवरेज बताना है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट बस यहाँ से हटाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ठीक है, ये डेटा यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपन बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे बोल रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन इन दिल्ली 50% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन TCS आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, 20% ऑफ द रिमेनिंग आर एबसेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कमिंग टू ऑफिस। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, किसका इस्तेमाल किया भैया? रिमेनिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है, याद रखना किसका इस्तेमाल किया भैया? रिमेनिंग, ठीक है ना, 20% ऑफ द रिमेनिंग। तो मैंने कहा सर TCS की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? TCS की। TCS में कितने लोग हैं सर? TCS में टोटल 75,000 लोग हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया कि 50% लोग तो भैया घर से काम कर रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? वर्क फ्रॉम होम, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है सर? अगर 100 में से अगर 100% टोटल संख्या है हमारे पास में, तो उसका 50% तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, बचा कितना? 50%। उस 50% का कितना? 20%। 50% का 20% कितना होगा? 10। तो ये 10% जो है ये एबसेंट है भैया, ये क्या है भैया? एबसेंट है, ठीक है। तो 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया, तो अब बचा कितना सर? 40। तो ये जो है ये ऑफिस आ रही है, ये जो है ये ऑफिस आ रही है। अब ये 40% किसका? मैंने कहा सर यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं? 75,000। तो 75,000 का 40% क्या होता है सर? 40% क्या होता है? 2/5 होता है, हाँ सर 2/5 होता है, ठीक है सर 2/5 होता है। इतने लोग जो हैं वो ऑफिस आ रहे हैं, इतने लोग जो हैं वो ऑफिस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर? यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर ये 5 से घटेगा कितनी बार? 15 बार। तो यहाँ पर ये 3 जोड़ लग जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये 30,000। तो ये 30,000 लोग जो हैं ये ऑफिस आ रहे हैं। तो आपसे यही पूछा था कि कितने लोग जो हैं वो ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, आपसे यही पूछा था कि कितने लोग जो हैं वो ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का
क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास में, आपसे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन महिंद्रा टू द मेल वर्किंग इन इन्फोसिस। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा जाना है ना, आपको यहाँ पर कहाँ जाना है सर, महिंद्रा पे जाना है, ठीक है, और महिंद्रा पे जाना है और वहाँ पर क्या देखना है सर, मेल देखना है, और उसके बाद फिर आपको इन्फोसिस में जाना है, ठीक है, इन्फोसिस में जाना है और वहाँ पर क्या देखना है सर, सॉरी महिंद्रा में आपको फीमेल देखना है, ठीक है, महिंद्रा में आपको क्या देखना है, फीमेल देखना है। तो महिंद्रा में आपको फीमेल देखना है, ठीक है, तो महिंद्रा में आपने फीमेल देख लिया, और इन्फोसिस में आपको क्या देखना है सर, मेल देखना है, ठीक है, आपको मेल देखना है, ठीक है सर। तो महिंद्रा हमारे सामने है थर्ड नंबर पे, इसमें फीमेल कितनी है सर, फीमेल इसमें है आपके पास में 6, ठीक है, 6000। इन्फोसिस में जाना है, इन्फोसिस हमारा सेकंड नंबर पे, उसमें मेल देखना है, उसमें मेल जो है वो है 63000। तो 6 और 63 में कुछ भी कॉमन है क्या, हाँ सर कॉमन है, क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है, तो 3 टूजा और यहाँ पर 3 टूजा 3 वनजा, तो ये 2:21 आएगा, 2:21 यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल सरल आसान ईजी, ठीक है। चलिए तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें ज़्यादा, तो ये तो हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग इन अमेजन रिस्पेक्टिवली इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन फीमेल वर्किंग इन TCS। तो यहाँ पर आपको अमेजन में जाना है, ठीक है, आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, अमेजन में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ जाना है, आपको TCS में जाना है, और दोनों ही जगह आपको क्या देखना है, फीमेल देखना है ना, दोनों ही जगह आपको क्या देखना है सर, फीमेल देखना है, ठीक है, फीमेल को देखना है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर कि भैया ये जो है ये कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है, प्रतिशत में आंसर बताना है, प्रतिशत में आंसर बताना है, ठीक है सर। तो अमेजन में फीमेल कितनी हुई, अमेजन में फीमेल है 45, ठीक है सर, और TCS में फीमेल कितनी है, TCS में फीमेल है 45। मैंने कहा ये तो सेम है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, 0%, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा सर, 0%। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर, डी ऑप्शन, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना था सर, फीमेल, ठीक है, क्या बताना था, फीमेल, कि अमेजन में कितनी फीमेल है, TCS में कितनी फीमेल है, और का परसेंटेज चेंज बताना था कि ये जो वैल्यू है वो इससे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो भैया ये तो सेम है, तो इनमें कुछ भी कम और ज़्यादा नहीं, यानी कि 0% हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ़ 20%, 30%, 40% ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन TCS। तो यहाँ पर अपन ने TCS लिखा, TCS में 20% और इन्फोसिस में आपके पास में है कितना, 30%, और अमेजन में क्या बोल रहा है, अमेजन में बोल रहा है 40%, ठीक है ना, इनको प्रमोशन मिला है। तो मैंने कहा भैया TCS में टोटल कितने लोग हैं सर, 75,000 है, तो 75,000 का 20%, अब 75,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो तो कितना बचेगा, 7,500 है ना, 7,500, 20% क्या होगा इसका डबल, यानी कि 15,000। तो यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे सर, 15,000, ठीक है। अच्छा, इन्फोसिस में 30% लोगों को प्रमोशन मिला है, इन्फोसिस में हैं कितने लोग, तो इन्फोसिस में हैं कितने लोग, ये आपके पास 80 हो गया और ये 11 हो गया, 91 है ना, 91, तो 91,000 है, तो 91,000 लोग हैं, और इसका अगर आप 30% निकालना चाहते हो, तो इसका 30% अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर ऐसे कर लोगे, तो ये आ जाएगा 3 1 3 और ये 3 9 27, और यहाँ पर क्या लगेंगे सर, 20, ठीक है, 20, तो 27300, ये आ जाएगा 27300, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 91,000 का 10% कितना होगा, 9100, उसका 30% अपने को चाहिए, अपने को एक्चुअली में 30% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10% निकालने के बाद 9100 का 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, तो 9100 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं कि अमेजन में 40%, अमेजन में टोटल कितने हैं सर, 90,000 है ना, टोटल कितने लोग हैं सर, 90,000,
इस 90,000 के 40% को प्रमोशन मिला है, तो यहाँ से ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा। 9,000 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 36,000, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 36,000। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अब खत्म हो गया, अब आपको इनका टोटल करके बताना है, आपको इनका टोटल करके बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 36 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 27 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो 27 और 37 42 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78,300, यानी कि आपके पास में जो ई ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ई ऑप्शन जो आएगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो आपने देखा कि हमें एक टेबल दिया गया था, उस टेबल में हमने सबसे पहले एक काम करके रख लिया कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। आपने देखा होगा अप्रोच क्या थी कि मैंने पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लिया, उसमें टेबल में क्या दिया गया था, एक तरफ कंपनी, फिर उसमें बताया गया था कितने मेल और कितने फीमेल हैं उसका रेशियो और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। फिर मैंने पाँचों सवाल देख लिए, उन पाँचों सवाल को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि मुझे मेल और फीमेल कितने कितने हैं हर कंपनी में वो पता होना चाहिए, तो मैंने वो निकाल के रख लिया। उसके बाद फिर मुझे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, मुझे हर बार क्या करना है, हर बार सिर्फ इस टेबल को देखना और यहां से मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए तो अब इसको यहां से हटाते हैं और अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके सामने एक पाई चार्ट है, ठीक है, अब इस पाई चार्ट में क्या क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पाई चार्ट शोइंग द डेटा ऑफ द स्टूडेंट अपीयरिंग इन IBPS PO एग्जाम इन 2021 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 6,60,000, है ना, 6,60,000, 6,60,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है या अपीयर हुए हैं। ये किस वर्ष की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है, किस एग्ज़ाम की बात हो रही है, IBPS PO एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें अलग अलग स्टेट से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अलग अलग कलर से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ये दिल्ली का है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्र का है, ये MP का है और ये तेलंगाना का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में दी गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 6,60,000 का 25%, 35%, 15%, 10% और 15% निकालना है। और हमें पहले पता लगा लेना भैया कि कितने कितने बच्चे किस किस स्टेट से अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लें, ठीक है। तो एक बार ज़रा सा इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पर हमारा सवाल आ जाएगा, कौन सी जगह हमारे पास खाली है। तो ये वाला पार्ट हमारा खाली रहेगा तो हम यहीं पर अपना पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो क्या क्या हैं भैया, दिल्ली हैं, ठीक है, हमारे पास स्टेट कौन से हैं सर, दिल्ली हैं, फिर आपके पास में यूपी है, फिर आपके पास में महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर उसके पास MP यहाँ पर आ गया और फिर उसके बाद आपका तेलंगाना आ गया, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। अब बात करते हैं सर कि यहाँ पर टोटल जो है वो 6,60,000 लोग अपीयर हुए, ठीक है, तो उसका 25% दिल्ली से हुए, तो इसका 25% निकालना पड़ेगा, 6,60,000 का 25% यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर ये 16 से जाएगा तो 64 हो जाएगा, है ना, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर 64 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास में 3 0 लग जाएंगे, ठीक है ना भाई। आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ से 2,000 और ये आ जाएगा आपके पास 64, यानी कि 10 और लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 165, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 000, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। चार इंटू 16 करेंगे कितना हो जाएगा 64 और यहाँ से अपने आएगा 2, तो 66, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं सर 35%, 35% किसका सर, 6,64 times 0, है ना, 6,64 times 0, तो यहाँ पर लिखा 6,6 इसका 35%, ठीक है, इसका 35%, तो यहाँ से 1 2 1 2 ये चला जाएगा। अब अपने को क्या करना है, 6,60 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर 35 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6,5 30 हो गया, ये 210 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 210 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 23,
23 10 के बाद में कितने लगेंगे, 20 और लगेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 10 और 20 और लगेंगे, तो 20 आपके और लग गए। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करके ले लिया। ठीक है भाई, ये वाला कैलकुलेशन एक बार कर लो और अच्छे से कर लो, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो आगे आपके चांसेस बिगड़ जाएंगे। अब अपने को कहाँ देखना है सर, महाराष्ट्र में देखना है ना, कहाँ पर देखना है, महाराष्ट्र में देखना है। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में 15% है, तो एक ही बार कैलकुलेशन कर लो। तो मैंने कहा भैया इसका 15% निकालना है, इसका क्या निकालना है सर, 15% निकालना है। तो मैंने कहा सर कि इसका 10% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 66, और यहाँ पर कितने जीरो हैं सर, 40, तो 30 बचेंगे जब मैं 10% निकालूंगा तो। ठीक है सर, और जब मैं 5% निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 15%। ठीक है सर, तो ये हो गया सर आपका 99000, तो ये हो जाएगा सर 99000। ठीक है सर, और यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, हाँ या ना। ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं सर, यहाँ पर एक और कैलकुलेशन बच गया अपना, कितना 10% इसका कितना होगा, 10 यहाँ से हटा देते हैं, है ना, 10 यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 66, और यहाँ पर 40 की जगह कितने लग जाएंगे सर, आपके 30 लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, अब क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी हम देखेंगे सवाल में। ठीक है, तो सवाल में क्या क्या पूछा जाएगा वो जानने के लिए अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, है ना। तो दिल्ली से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं, यूपी से, महाराष्ट्र से, एमपी से और तेलंगाना से, वो हमने निकाल के अब रख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपसे बोल रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सेंट्रल एंगल आपको निकालना है महाराष्ट्र और एमपी। तो महाराष्ट्र और एमपी कौन से हैं भैया, येलो और ऑरेंज वाले, है ना, येलो और ऑरेंज वाले कौन से हैं भैया, महाराष्ट्र और एमपी वाले, यानी कि ये टोटल कितना हो गया सर आपका 25%। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा कि 360 डिग्री, या ये मैं बोल सकता हूँ कि जो 100% है वो आपका 360 डिग्री है, हाँ सर, और ये कितना हो रहा है सर, ये आपका 25% हो रहा है, ये आपका 25% हो रहा है। तो अगर 100% 360 डिग्री है तो 25% कितना होगा, मैंने कहा इसका ये क्या है सर, 1/4 है, तो इसका 1/4 कर दो, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा सर, 90 डिग्री, यानी कि जो सेंट्रल एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा सर, 90 डिग्री। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा सर, 90 डिग्री। क्या मैंने कहा कि इस पूरे का अगर आप परसेंटेज ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 100% आएगा, और एंगल के फॉर्म में कितना होना चाहिए, 360। तो 100% के लिए अगर 360 डिग्री है तो 25% के लिए कितनी होगी, ये निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका 4 times है क्या, नहीं, इसका 1/4 है, हाँ, तो अगर इसका 1/4 है तो इसका भी 1/4 कर दो, तो इसका 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि when we see the trend of IBPS PO exam, the number of student increases in a particular manner. Number of student increases by 10% in 2020 from 2019, then increases by 20% from 2020 to 2021. Find the number of student appear in 2019. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब कि ये जो ट्रेंड देख रहे हैं उस ट्रेंड के हिसाब से इनको पता चल रहा है कि 2019 से 2020 में 10% का इजाफा हुआ था उन बच्चों में जो बच्चे अपीयर हो रहे थे, और फिर 2020 से 2021 में 20% का इजाफा हुआ। कितने का इजाफा हुआ, 20% का इजाफा हुआ। 2021 में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं ये आपको तो पता ही है, ये आपको पता ही है, आपको पूछ रहा है 2019 में कितने बच्चे अपीयर हुए होंगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। तो हमने यहां पर यह चीज बोली भैया कि भैया 2019 से 2020 में 10% का चेंज आया, और 2020 से 2021 में आपका 20% का चेंज आया, यही आया, हाँ सर यही आया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 10% का मतलब होता है कि 10 से कोई चीज़ 11 हो गई, हाँ सर, और 20% का मतलब ये बोल सकता हूँ कि 10 से कोई चीज़ 12 हो गई, हाँ सर। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा सर, 100, और ये कितना हो जाएगा सर आपका 132। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 132 जो है वो कितना है सर, 66 4 times 0, 66 4 times 0, बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। तो अब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, क्या ये 66 बन जाएगा, हाँ सर 66 बन जाएगा, और उसके आगे क्या लगा दिए सर आपने, 40 लगा दिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, 50, और इसके आगे आपने 40 लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 500,000,
यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 5 लाख। यानी कि 2019 में जो बच्चे अपियर हुए थे वो कितने थे, 5 लाख थे, है ना भाई। 132 को 2 से डिवाइड करो 66 और उसके आगे 4 जीरो, तो 100 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 50, फिर 4 जीरो, तो 5 के आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो है ना, तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया, है ना 5 लाख हो गया। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, बी ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, बी ऑप्शन। यानी 2019 में 5 लाख विद्यार्थियों ने IBPS PU के लिए अपियर हुए थे। ठीक है भाई, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं भैया, फटाफट ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की, आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड तेलंगाना टुगेदर। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना से टोटल जितने लोग अपियर हो रहे हैं उसका एवरेज बताना है आपको। क्या बताना है आपको, एवरेज बताना है। तो मैंने कहा सर दोनों जगह से तो सेम ही हो रहे हैं ना, ये देख लो दोनों जगह से क्या हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं। यानी कि 99,000 प्लस 99,000 अपॉन 2 तो क्या आएगा, 99,000 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना था, आगे बढ़ते हैं फटाफट भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या सवाल बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ 30% एंड 20% ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग फ्रॉम MP एंड दिल्ली हैव क्वालिफाइड द प्री एग्जाम देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट गोइंग फॉर मेन एग्जाम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया MP से 30% और दिल्ली से 20% बच्चे जो हैं वो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बताओ कितने बच्चे जो हैं वो मेन एग्जाम देने वाले हैं। तो मतलब नंबर्स बताने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर MP में क्या करना पड़ेगा भैया, MP में जाएंगे अपन, तो MP में कितने परसेंट है भैया, 30% है ना। MP में है कितने लोग सर, 66,000, तो 66,000 है आपके पास में, उसका 30%, उसका कितना सर, 30%। ठीक है सर, तो यहाँ से आपका 1 2 1 2 ये चला गया, 3 6 18, 3 6 18 19 हो गया, और यहाँ पर कितने हो गए सर, 2 0 हो गया। ठीक है सर, इतने लोग हो गए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है सर, दिल्ली, तो दिल्ली से कितना है भैया, दिल्ली से है आपका 20%। दिल्ली में है कितने लोग सर, 165 और 000, इसका कितना सर, 20%। यानी कि कितना, 1/5 कर दो सीधे, ठीक है ना, या आप इसका 10% निकाल के डबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 3 15 और यहाँ पर 3 0। ठीक है सर, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इन दोनों का क्या करना है सर, आपको टोटल बताना है कि इतने लोग जो है ये मेंस के लिए जाएंगे। तो मेंस के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर अपना हो जाएगा 800, यहाँ पर हो जाएगा 800 और 9 3 12 और 3 4 5, तो 52 800, है ना, 52 800। तो 52 800 यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। MP के टोटल का 30% निकालना था, दिल्ली के टोटल का 20% निकालना था, उन दोनों को जोड़कर आंसर बताना था। ठीक है, इतने लोग होंगे जो आपका मेन एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। अब इसको यहाँ से हटा देना पड़ेगा भाई, जगह चाहिए अपने को। आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम तेलंगाना इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम UP। तो अपने को कंपेयर करना है टी और यूपी में, है ना, टी और यूपी में, और परसेंटेज मोर और लेस पूछा है, यानी कि परसेंटेज में आंसर बताना है। ठीक है सर, तो मैंने ये बोला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आपके पास यहाँ टोटल तो दिख रहा है ना, टोटल तो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर लिखा तेलंगाना में कितने लोग हैं सर, 99,000 है, और यूपी में कितने लोग हैं सर, यूपी में आपके पास में 231 और यहाँ पर 000 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि इसका जो डिफरेंस है उसका कंपेरिजन इससे करना है, इसका जो डिफरेंस है उसका कंपैरिजन इससे करना है, यानी कि बेस वैल्यू ये होगी, है ना, बेस वैल्यू ये होगी और ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इनटू 100 करोगे। अब एक और चीज़ क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सरल तरीका। आप यहाँ पर ये देखो, आपके पास में जो टेबल दिया था उसको देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टी लिखा, यहाँ पर यूपी लिखा, ठीक है। अब टी मतलब ये वाला ग्रीन वाला 15%, यहाँ पर लिखा 15%, ठीक है, और यूपी कितना है सर, यूपी है आपका ये वाला, यानी कि 35%, ठीक है, ये कितना हो गया सर, 35%, ये 15% ऑफ टोटल, ये 35% ऑफ टोटल, हाँ या ना, ठीक है। तो 5 3 ज़ा और 5 7 ज़ा,
तो 3 7 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 का कंपैरिजन 7 से होगा इनटू 100, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 57% कितना जाएगा ये 57% है ना, क्योंकि 1/7 कितना होता है 14.28%, उसका 5 इसका कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, उसका कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। तो एक बार आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, यहां पर देख लो ऑप्शन में, तो यहां पर आपको दिख रहा है 57 1/7, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जिनको यहां पर दिक्कत है उनको मैं यहां पर समझा देता हूं कि अगर आपने पाई चार्ट ध्यान से देखा है तो पाई चार्ट में आपको दिखाई देगा कि तेलंगाना में और यूपी में यहां पर 15% था और यहां पर कितना था 35% था। तो अगर आप 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 बार, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 बार। अब 3 जो है वो 7 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है ये पूछ रहा था आपसे, तो 3 7 से 4 कम है और कंपैरिजन 7 से होगा इनटू 100 करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 57 1/7% बनेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जिनको नहीं पता है वो ये देख लो कि 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है, अगर आप इसका 4 गुना करोगे तो आपको यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो इसी तरह से हमारे 2 सेट हो चुके हैं, अब तीसरा सेट जो है उसके लिए मैं आपको समय दूंगा, तो एक बार थोड़ा सा इसको देखो आप अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ लो। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास में 2 पाई चार्ट है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट वन में क्या बोल रहा है भैया, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स बाइक प्लस स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। कंपनीज का नाम क्या है, हीरो, होंडा, सुजुकी, TVS और बजाज। ठीक है, तो हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है, TVS अलग कंपनी है और बजाज अलग कंपनी है इन 2019। ये किस साल की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है। एंड पाई चार्ट 2 शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज 5 कंपनीज इन 2019। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बाइक और स्कूटर दोनों, और यहाँ पर केवल और केवल किसका, बाइक के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है वो देख लो, टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर बाइक प्लस स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज 5 कंपनीज इन 2019 आर 15,000, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो 15,000 की वैल्यूज है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और यहाँ पर जो वैल्यू है उसके बारे में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज 5 कंपनीज इन 2019 आर 6,000, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है भैया, ये 6,000 है। यानी 6,000 का हीरो ने 25%, इसने 20%, बजाज ने, टीवीएस ने 30%, सुजुकी ने 15% और होंडा ने 10% मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, ये है बाइक प्लस स्कूटर, ये है केवल और केवल बाइक। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ठीक है, आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कि यहाँ पर आपका जो बाइक और स्कूटर है अलग अलग कंपनी ने कितना कितना बनाया है, और यहाँ पर बाइक कितने कितनी कंपनी ने बनाई है, ये आप मुझे टोटल निकाल के बताओ, एक टेबुलर फॉर्म में बना के रख लो। ठीक है, जल्दी से बना लिया भैया, बना लिया? ठीक है, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर समझो, ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला जो है ना, इसमें कितने लोग हैं भैया, 15,000 है। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं भैया, 15,000। और ये क्या है सर, बाइक और स्कूटर दोनों हैं। कैसे पता चला सर, यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में 15,000 हैं, बाइक और स्कूटर दोनों हैं। अब अपने को ये देखना है भैया कि हीरो 20% है, तो भैया इसका 10% 1500, तो 20% कितना होगा, 3,000 होगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये 3,000 होगी। हाँ या ना? ठीक है सर। उसके बाद सर 15,000 का 24%, तो 15,000 का 24% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका 3600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो इसका कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, 3600 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कैसे निकला, यहाँ पर देखो 15,000 है और उसका कितना है सर, उसका आपका 24% है, 24% है। तो 1 2 1 2 ये चला गया। अब 15 × 24 करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा सर, 360। ठीक है, और 10 और लगा हुआ है यहाँ का, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। तो 12% इसका निकालेंगे, 12% कितना निकलेगा सर इसका, 1800, है ना, क्योंकि इस 24 का आधा है 12, तो 36 का आधा कितना होगा, 1800। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 1800। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी सर, 1800। ये कितनी होगी सर, 1800। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
30% कैसे निकालेंगे सर, 30% इसका निकालेंगे अपन तो भैया इसका 10% कितना होता है, 1500, तीन गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4500, तो ये हो जाएगा सर आपके पास में 4500। ठीक है, इसका 14% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 2100। ठीक है, कितना हो जाएगा 2100, है ना, 14, 7, 21, ठीक है 2100। तो इस तरह से ये वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अच्छा अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर आपका बाइक और स्कूटर दोनों है, यहाँ पर बाइक और स्कूटर दोनों, यानी कि इस 3000 में बाइक भी है और स्कूटर भी है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर पहले तो इसका टोटल कितना है 6000, कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किसका डेटा है, सिर्फ और सिर्फ बाइक का, ये किसका डेटा है, सिर्फ और सिर्फ बाइक का। ठीक है सर, तो इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो इसका 25% इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा सर, 1500, तो ये आपकी वैल्यू हो गई सर 1500। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे, इसका 20% निकाल लें, 10% 600, तो 20% कितना होगा सर इसका 1200। ठीक है सर, इसका 10% 600 है तो 30% कितना होगा सर 1800। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका 15% कितना हो जाएगा सर आपका 900। ठीक है ना, अगर आपका 30% 1800 है तो 15% इसका आधा हो जाएगा 900। ठीक है ना, ये 10% है, 20% अगर 1200 है तो 10% कितना होगा सर 600, तो ये आ जाएगा आपका 600। तो इस तरह से ये वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने निकाल लिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला था उनको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब बात ये आती है कि सर इसको जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये सब कुछ हट जाएगा, ओवरलैप हो रहा होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया कि भैया 15000 बाइक और स्कूटर में से हीरो की कितनी बाइक और स्कूटर हैं, होंडा की कितनी है, सुजुकी की कितनी है, टीवीएस और बजाज की कितनी है। ठीक है ना, उसी तरह से 6000 बाइक में से हीरो की कितनी बाइक्स हैं, होंडा की कितनी बाइक्स हैं, सुजुकी की, टीवीएस की और बजाज की कितनी बाइक्स हैं, जो मैंने अभी वहाँ पर कैलकुलेट किया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस पे सवाल कैसा कैसा बना है। ठीक है, इस पे सवाल कैसा कैसा बना, अच्छा ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपको ये पता है कि 15000 बाइक और स्कूटर में हीरो के पास कितनी टोटल बाइक और स्कूटर है तो 3000 हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि क्या आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो, क्या यहाँ पर ऐसा एक कॉलम बना लेते हैं, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो क्या कि भैया अगर 3000 बाइक और स्कूटर थी उसमें से 1500 जो हैं वो बाइक हैं तो बाकी 1500 क्या होंगी सर, स्कूटर होंगी, बाकी 1500 क्या होंगी सर, स्कूटर होंगी। ये बी प्लस एस है, वो बी है तो ये एस हो जाएगा। 3600 में से 600 बाइक हैं आपकी तो 3000 आपकी क्या हो जाएंगी, स्कूटर हो जाएंगी। 1800 में से 900 जो हैं वो आपकी बाइक हैं तो बाकी 900 क्या हो जाएंगी, स्कूटर हो जाएंगी। 4500 में से 1800 जो हैं वो आपकी बाइक हैं तो 2700 जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी स्कूटर हो जाएंगी। और 2100 में से 1200 अगर आपकी बाइक हैं तो 900 जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी सर, आपकी 900 जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी सर, स्कूटर हो जाएंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, तो हमारे को ये पता चल चुका है कि हमारे पास कितनी स्कूटर्स हैं, कितनी बाइक्स हैं, पता चल चुका है। अब देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा है, सवाल में क्या क्या पूछा है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो एक बार देख लो यहाँ पर। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं सवाल कैसे कैसे पूछे गए। तो सवाल पूछा गया है द नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय सुजुकी एंड टीवीएस टुगेदर इन 2019 आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा इन 2019। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया पहले वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। आपसे बोला था नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सुजुकी एंड टीवीएस, तो हमें सुजुकी और टीवीएस पे जाना है और हमें क्या देखना है सर, बाइक्स देखना है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्कूटर किसका देखना है हमें, होंडा का, तो हमें होंडा का क्या देखना है भैया, स्कूटर देखना है। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमें डेटा दिया गया था 2019 का दिया है ना, 2019 की बात चल रही है, तो ये बोल रहा है कि भैया व्हाट परसेंट मोर और लेस, यानी ये डेटा इस डेटा से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, यानी कि दोनों की वैल्यू पहले पता लगा लेते हैं फिर प्रतिशत चेंज निकालना है ना। ठीक है भैया, तो स्कूटर देखना है अपने को होंडा का, स्कूटर देखना है अपने को होंडा का, तो स्कूटर अपने को देखना है होंडा का, तो ये कितना है सर 3000। ठीक है, स्कूटर होंडा का कितना है सर 3000, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो स्कूटर होंडा का कितना है सर 3000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और बाइक देखना है अपने को किसका, बाइक देखना है अपने को सुजुकी और टीवीएस का, बाइक देखना है सुजुकी और टीवीएस का। ठीक है, तो बाइक वहाँ है सुजुकी और टीवीएस, सुजुकी और टीवीएस की बाइक देखनी है अपने को, तो ये कितना हो गया 18 और 9, 27 हो गया, है ना, 18 और 9 कितना हो गया 27 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा ये 2700। अब यहाँ पर ये 2700 इस 3000 से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंस तो 300 है
और 303,000 का कितना परसेंट है भैया? सब जानते हैं 10% है। कितना परसेंट है सर? 10% है। तो आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा सर? 10% होगा। आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा सर? 10% होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? 10% हो गया। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। ये क्लियर हो गया भैया, है ना? सुजुकी और टीवीएस में बाइक्स कितनी थी? 2700, 1800, 900 टेबल में लिखा हुआ है। और होंडा में स्कूटर कितनी थी? 3000। इनके बीच में प्रतिशत चेंज बताना था कि ये जो है ये इससे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब कम है तो कम बता दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा बता दो, किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गई सर, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं सर। अब अपने पास नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो होंडा एंड बजाज इन 2019 आर हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सुजुकी इन 2019। यानी कि 2019 की ही बात हो रही है, ठीक है सर। डेटा भी हमें 2019 का दिया है। आपसे बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स, एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स, तो यहाँ पर बाइक्स की बात हो रही है, ठीक है। किस में देखना है सर? हीरो में देखना है, होंडा में देखना है और बजाज में देखना है, ठीक है। अपने को इसका क्या निकालना है सर? एवरेज निकालना है, यानी कि जो भी डेटा होगा उसको जोड़कर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? आर हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्कूटर, यहाँ पर स्कूटर को देखना है। यहाँ पर अपने को किसको देखना है? स्कूटर को देखना है। किसको? सुजुकी को, यहाँ पर सुजुकी, ठीक है। और यहाँ पर अपने को क्या बताना है सर? लेस देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सुजुकी, इतना, ठीक है सर। तो यहाँ द एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो होंडा एंड बजाज इन 2019 इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सुजुकी इन 2019। अब अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अपने को बाइक देखना है हीरो का, होंडा का और बजाज का। तो बाइक का डेटा तो उधर है भैया, हीरो, होंडा और बजाज। तो हीरो है ना, हीरो ये हो गया, होंडा ये हो गया और बजाज ये हो गया। तो मैंने कहा 1500, 600, 2100, 2100 और ये कितना हो जाएगा आपका? 1200, यानी कि 3300 अपन तीन करेंगे, 3300 अपन तीन करेंगे तो कितना आएगा? 1100। भाई 1500, 600, 2100, 2100 और 1200 कितना हो गया? 3300 अपॉन थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको इसका डेटा लिखना ही है तो आप लिख लो 1500, 600 और 1200, है ना। तो यहाँ पर लिख लो आप 1500, 600 और 1200, इसको ऐड करेंगे, इसको तीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है? 33/3, यानी कि ये 1100 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, स्कूटर देखना है सुजुकी का, तो स्कूटर यहाँ पर है, सुजुकी यहाँ पर है भैया, ये रहा सुजुकी, कितना भैया? 900। तो हम यहाँ पर गए 900, ठीक है भैया, ये आ गया 900। अब आपको ये बोल रहा है कि इनका डिफरेंस बता दो, तो इनका जो डिफरेंस है भैया वो साफ साफ दिख रहा है कि 200 का है। इसका डिफरेंस कितना है सर? 200 का है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा सर? डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर भाई या क्लियर भाई साहब? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज इन 2020, अब देखो यहाँ पर 2020 आ चुका है, हमें डेटा दिया 2019 का, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज इन 2020 आर 40% मोर देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो इन 2019। मतलब ये हो गया कि हीरो का 2019 और बजाज का 2020, इसके बीच में एक रिलेशन दिया गया है, ये 40% ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा, ऐसा कुछ दिया गया है। और ये किसके बारे में बात हो रही है सर? यहाँ पर स्कूटर बोला है और यहाँ भी स्कूटर बोला है, यानी कि हम स्कूटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर? स्कूटर की बात कर रहे हैं। तो पहले हम पता लगा लेते हैं भैया कि ये एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये तो 5:7 का रेशियो आ गया। तो मैंने कहा सर मुझे हीरो का 2019 में देखना है कि कितने स्कूटर हैं, है ना, हीरो का 2019 में कितने स्कूटर हैं। तो कितने स्कूटर हैं भैया? 1500 स्कूटर हैं, ठीक है, 1500 स्कूटर हैं। तो यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 1500 है। यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर आपका? 2100। कैसे? इसका 300 गुना हो रहा है, तो इसका भी 300 गुना कर दो, ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी कि बजाज के 2020 में कितने स्कूटर थे? 2100 थे, ठीक है सर। कितने मैन्युफैक्चर किए उन्होंने स्कूटर? 2100। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 40% मोर देन नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय हीरो इन 2019 एंड टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स बाइक एंड स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज इन 2020। अब देखो यहां पर लिख रहा है बजाज
2020, ठीक है, आर 500 मोर देन टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टीवीएस इन 2019, टीवीएस 2019, टू व्हीलर की बात हो रही है, यानी कि बाइक और स्कूटर का टोटल, तो बाइक और स्कूटर का टोटल टीवीएस का 2019 में जितना भी होगा उसको 500 से इंक्रीज कर दोगे तो बजाज का आ जाएगा 2020 में, ठीक है सर। तो हमने देखा भैया टीवीएस में 2019 में क्या है टोटल, टीवीएस में बाइक और स्कूटर का टोटल यहां पर कितना है सर, 4500 है, ठीक है सर। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है सर, 4500। अगर ये 4500 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 500 ज्यादा है। कैसे पता चला, अरे सवाल में दिया है, चेक कर लो, 500 ज्यादा बोला है, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया सर, 5000 आ गया। अब ये 5000 क्या है सर, ये 5000 आपके पास में बाइक और स्कूटर दोनों हैं, और यहां पर ये क्या है सर, यहां पर ये 2100 क्या है सर, ये 2100 आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्कूटर है। तो यहां पर आप बाइक पता लगा सकते हो, हाँ सर, 5000 में से 2100 कम कर दो तो कितना आएगा सर, 2900। कितना आएगा सर, 2900। ये 2900 क्या होंगे सर, ये 2900 आपके बाइक होंगे, ये 2900 आपके क्या होंगे सर, बाइक होंगे, ठीक है सर। किसके, बजाज के, कब, 2020 में। पूछा क्या है आपसे, पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज इन 2020, तो 2020 में बजाज ने कितनी बाइक मैन्युफैक्चर की, 2900। तो आंसर कितना आएगा भाई साहब, 2900, यानी कि बी ऑप्शन। कितना आएगा भैया, बी ऑप्शन। तो आप समझ रहे हो कि जो टेबल अपन ने बनाई है ना, वो अगर आपकी बन गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा जब भी डीआई का सवाल शुरू करो तो पहले डेटा एक जगह कलेक्ट करके रख लो, भले उस समय लगेगा कि अरे आओ सर डेटा निकालने में टाइम लगता है, बेटा वो टाइम आपका कंपेरेटिवली कम है अगर आप आगे चलकर निकालोगे हर एक सवाल को अलग अलग टाइम पर, जब उसको निकालने जाओगे। जैसे आपने इसका पहला सवाल देखा, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया, निकाला, फिर दूसरा सवाल किया, उसके लिए निकाला, तो आपको अलग अलग सवालों के लिए जब आप डेटा निकालोगे बार बार तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने डेटा एक क्वेश्चन में यूज़ किया है वो किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है ना। तो आपका एक बार की जो मेहनत है ना, वो बार बार आपको यूज़ में आ जाएगी अगर आप पहले से उसको बना के रख लोगे तो, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए सर, तो ये बात समझ में आ गई, अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था ये, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोला था नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज एंड होंडा टुगेदर इन 2019 आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज फाइव कंपनीज इन 2019। तो ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है, ये जो सवाल है ये आपको खुद से करना है, ये सवाल आपको खुद से करना है। करना क्या है, द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज एंड होंडा टुगेदर इन 2019। तो 2019 का तो डेटा हमें दिया गया है, हमें बजाज और होंडा का क्या देखना है सर, स्कूटर देखना है, बजाज और होंडा का स्कूटर देखना है। तो यहाँ पर देखो, बजाज और होंडा का स्कूटर, स्कूटर यहाँ पर दिया है बजाज और होंडा, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू लेनी है 3000, और ये वाली लेनी है यानी कि 3900, है ना, बजाज का और होंडा का स्कूटर 3900 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो गया सर आपका 3900, ठीक है, ये बजाज और आपका कौन सा है, होंडा है, ठीक है, ये 2019 का डेटा है, ठीक है सर। अब ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज एंड होंडा टुगेदर इन 2019 आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज फाइव कंपनीज इन 2019। तो यानी कि अब आपको यहां पर इसको जो कंपेयर करना है, वो कंपेयर किससे करना है, पांचों कंपनी के जो स्कूटर्स हैं, तो पांचों कंपनी के जो स्कूटर्स हैं क्या उसका डेटा मेरे पास में है, हाँ सर है मेरे पास में, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 1500, 4500, 4500, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1800, है ना, 4500 ये ले लिया अपन ने, और 1800, 2700 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4500 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9000 हो जाएगा टोटल। तो ये आपका कितना हो रहा है सर, 9000 हो रहा है, ठीक है, या इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 27 और 9 कितना हो गया आपके पास, 36, 36 और 9 कितना हो गया आपके पास, 45 और 45 9000 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 9000 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये कितना हो गया सर आपके पास में, टोटल 9000 हो गया, ठीक है। फिर से पढ़ लो, द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बजाज एंड होंडा टूगेदर इन 2019 आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज फाइव कंपनी, यानी कि आपसे बोल रहा है कि 3900 जो है वो 9000 का कितना प्रतिशत है। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब आपको 390/9 की वैल्यू निकालनी, 390/9 की वैल्यू निकालनी। तो भैया ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि 9 4 36 होता है ना, 9 4 36 होता है, 30 बचेगा, 9 3 27 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो मैंने बोला था कि आपको करना है, मैंने खुद ही करवा दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलता है आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके सामने, आपसे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय टीवीएस इन 2019 में टीवीएस ने कितने स्कूटर जो है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय टीवीएस इन 2019। तो टीवीएस ने 2019 में कितने स्कूटर बनाए थे, टीवीएस ने 2019 में कितने स्कूटर बनाए थे, 2700। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर इसका, 2700। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, अगर डेटा निकाला हुआ है तो सीधा आंसर मार्क करो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब इसका एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, ये सवाल आ गया आपके सामने, ठीक है, चलिए इतना ही आज के सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और हमने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से और बहुत दिल से आपको पढ़ाया है ना। जिसको कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर शायद 14 दो बार नंबरिंग होगी, है ना, यहाँ पर 14 की दो बार नंबरिंग हुई, 13 आया, उसके बाद यहाँ पर 14 आया, और फिर उसके बाद फिर से 14 आ गया, तो यहाँ पर ये 15 ही क्वेश्चन थे, यानी कि पाँच क्वेश्चन के सेट थे यहाँ पर अपने पास, ठीक है ना। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन, और आपके अगर कोई एक्सपेक्टेशन है, आप कुछ चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, या किसी एग्ज़ाम के लिए आप अपने कुछ स्पेशल टॉपिक पहले करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से भी चीज़ें करने की पूरी कोशिश करेंगे भविष्य में, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा हमें, लाइक करके वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट करके भी, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।